वेलकम बैक टू आवर चैनल नई उड़ान। मैं अहमद सईद। गाइस अभी 11:30 बजने वाला है। जैसे 11:30 बजेगा जो अंदर स्टूडेंट्स एंट्रेंस दे रहे बाहर निकलेंगे। अभी मैं इस्लामिक गेट नंबर 7 पर मौजूद हूँ। अभी बच्चे अंदर से बाहर निकलेंगे, हम उनका रिव्यू जानेंगे। तो अभी दो पेपर का मोस्ट ऑफ हमारा कवर करने का चांसेज है, BA ऑनर्स संस्कृत और MA इकोनॉमिक्स का। आइए हम आपसे मिलते हैं डायरेक्ट स्टूडेंट रिव्यू में। मेरा नाम जावेद अहमद। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं? मैं MLT MLS दे के आया हूँ। MLT MLS में मोस्ट ऑफ किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है? बहुत ऐसे क्वेश्चन ईजी थे, कुछ खास नहीं थे। सिलेबस क्या क्या है इसका? सिलेबस क्या है, ये फिजिक्स 25 और केमिस्ट्री 25 और बायोलॉजी 50। तो क्वेश्चंस कितना आया था टोटल? 100। MCQ था टोटल? जी ओके। पूरा? हाँ। कितना अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 78 किया हूँ अटेम्प्ट। क्या लग रहा है आपको सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए। जी जी। नाम बताइए। मोहम्मद अनस। कौन सा पेपर देखा है आप? BVOC इन मेडिकल लेबोरेटरी साइंस। इसका मैं सिलेबस जानना चाहूँगा, सिलेबस क्या एंट्रेंस? सिलेबस 50% क्वेश्चन तो बायोलॉजी से आते हैं 11th 12th की, और 50% फिजिक्स और केमिस्ट्री से आते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है एंट्रेंस? इसकी एलिजिबिलिटी है हमारे 12th क्लास किया होना चाहिए हमें किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, उसके बाद हम इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, पेपर कैसा गया आपका बताइए? पेपर बहुत अच्छा गया है, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा गया है। सिलेक्शन 100% कन्फर्म। वेरी गुड। कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? मैंने 86 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। आपको तो जितना आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, लग रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लाइफ में एम्बिशन क्या? अल्लाह, सिलेक्शन इस बार पक्का। लाइफ में एम्बिशन क्या आपका? जी लाइफ में एम्बिशन क्या आपका? एम्बिशन मेरा ये वाला कोर्स करके मुझे इसमें मास्टर डिग्री करनी है, और उसके बाद एक लाइफ साइंस का साइंटिस्ट बनना है। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरनगर। पहले कभी आए थे जामिया? जी लास्ट ईयर भी दिया था। जब आप जामिया का पार्ट बनने के लिए आए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, आप जामिया के पार्ट बन जाए। थैंक यू सर। बताइए। मेरा नाम मसूदुल हसन है। कहाँ से आए हैं आप? मैं जम्मू कश्मीर से। पहले कभी जामिया आए थे आप? हाँ, एक बार आया हूँ। आज जामिया का कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज हम पेपर की बात कर लेते हैं, पेपर कौन सा था आपका? BVOC का। कैसा गया पेपर आपका? पेपर अच्छा रहा। कितना परसेंट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 65 का। क्वेश्चंस पूरा ऑब्जेक्टिव था या फिर सब्जेक्टिव भी था? सब्जेक्टिव था ज़्यादा। सब्जेक्टिव कितना परसेंट था क्वेश्चन? 30% सब्जेक्टिव था जितना मैंने किया। आपने क्या लग रहा है आपको सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, देखते हैं हम। क्या मतलब जामिया को आपने क्यों चुना इस कोर्स के लिए? और भी सारे कोर्स यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ ये कोर्स कराया जाता है, जामिया चुनने के पीछे कोई ख़ास रीज़न? यस सर। सर एक तो जामिया में एजुकेशन सही मिलती है, इधर सही एजुकेशन मिलेगी और इधर इजी भी है। मैं आशा करता हूँ। बताइए शीजा, कहाँ से आई हैं आप? मैं एक्चुअली शाहीनबाग से आई हूँ। लोकल ही हैं? हाँ। कौन सा पेपर देखा है? BVOC का पेपर। पेपर कैसा गया आपका? पेपर ठीक गया, बायो तो काफ़ी इजी था। पेपर करके मज़ा आया? हाँ, मज़ा किसको आता है पेपर देके? पेपर अगर तैयारी अच्छी और अकॉर्डिंग टू तैयारी पेपर आए तो मज़ा आता। हाँ, बायो ठीक था। मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था? जी जी। कितना हेल्प मिला आपको? बहुत ज़्यादा हेल्प मिला, क्योंकि बायो के सारे क्वेश्चंस बिल्कुल मैचिंग ही थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। क्वेश्चन बता सकते हैं बायो का किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा गया? जी बायो में ज़्यादातर क्वेश्चन जेनेटिक्स और रिप्रोडक्शन से ही आए थे, और बायोटेक्नोलॉजी से। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये सारे जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव था या सब्जेक्टिव था? ऑब्जेक्टिव ऑल सारे। टोटल क्वेश्चन कितना? 100। क्या लग रहा है आपको सिलेक्शन हो जाएगा? आई डोंट नो, मे बी लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। आपने तैयारी किया तो कुछ अंदाजा हो ही जाता पेपर अटेम्प्ट करने के बाद? हाँ, मैंने इतना परसेंट अटेम्प्ट किया तो चांसेस है। हाँ, चांसेस तो बनते हैं। एम्बिशन क्या आपका? डॉक्टर बनना चाहती हूँ। आपको आशा करता हूँ आपका सिलेक्शन हो जाए, और जो भी सपना लेकर आप जामिया आए हैं, आप जामिया का पार्ट बने, अपने सपनों को उड़ान दे सकें। थैंक यू सो मच। आपका नाम बताइए। मोहम्मद अनस। आपका नाम? मिन्नतुल्ला। कौन सा पेपर देखा है अभी आप? BVOC का। आप BA संस्कृत? ये संस्कृत ऐसा क्यों आपका संस्कृत? वो ठीक भाई, पेपर अच्छा पेपर था, अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे। मैं संस्कृत के बारे जानना चाहूँगा, जो संस्कृत का क्वेश्चन था टोटल ऑब्जेक्टिव था या फिर सब्जेक्टिव था? सब्जेक्टिव था सर। टोटल सब्जेक्ट? सब्जेक्टिव था। 100 पूरा? 100%। तो क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछा गया? क्वेश्चन सब टाइप का पूछा गया था, कोरोना वायरस का, COVID-19 ये सब वगैरह पूछे गए थे सब। पूरा पेपर अच्छा दिया था, कुछ टफ नहीं था। सर का पेपर देखा था आपने? जी प्रीवियस सर का पेपर देखा। सर का पेपर देखा था, वो भी बहुत ठीक था, उन्होंने भी अच्छा दिया, सारे पेपर अच्छे थे। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप BVOC का बताएं। yes. ठीक है, आपका पेपर कैसा गया? पेपर तो ठीक है, मज़ा आया पेपर का। ठीक है पेपर ठीक है। क्वेश्चन से अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 70% आ गया। लग रहा सिलेक्शन हो जाएगा? लग रहा है। हाँ एकदम लग रहा है। आए कहाँ से आप? हमें बिहार के। पहले कभी जामिया आए थे? नहीं आए थे। कैसा लग रहा है जामिया? जामिया बहुत अच्छा है, ठीक है, मतलब जैसा सोच रहे थे उससे अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या सपना है आपका लाइफ में? मेरा सपना है कि डॉक्टर बनने के लिए, BVOC के लिए से, मेडिकल फैकल्टी के लिए, इसीलिए। चलिए मैं आशा करता हूँ आप जो भी उम्मीद लेकर जामिया आए, आपका सिलेक्शन हो जाए, आप जामिया के पार्ट बन सकें। आपका नाम बताइए। MD रियाजी। आपका? मोहम्मद उमर। आप कहाँ से आए? बुलंदशहर। आप?
गोपालगंज भी है। पेपर कौन सा देखा है? विभाग। आप विभाग का? कैसा गया पेपर आपका? पेपर बहुत अच्छा गया, 70% सही किया है। आपका पेपर करके मजा आया? जी मजा आया। किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया बेसिकली? बेसिकली वो जिस तरह स्टडी हुआ था उसी टाइप का पूछा। क्या क्या है सिलेबस? क्या क्या? फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो है। अच्छा, तो किस पार्ट का ज़्यादा क्वेश्चन आया था? जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के बारे बताया था, किस पार्ट का ज़्यादा क्वेश्चन? एक्चुअली फिजिक्स का ज़्यादा थे और एक्चुअली केमिस्ट्री के भी थे, बायो के भी थे, लेकिन बायो के सबसे ज़्यादा क्वेश्चन। केमिस्ट्री में किस किस टाइप का क्वेश्चन था? केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह थी और इक्वेशन थी और थोड़ी सी जो थ्योरिकल चीज़ें होती हैं वो थी। अच्छा, नेक्स्ट ईयर के लिए जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं जामिया के, उन्हें आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये मैसेज देना चाहूँगा कि हार्ड वर्क करें और कोशिश यही करें कि नंबर जामिया के अंदर आए और मेहनत करते रहें, बस मेहनत करते रहें। आप बताइए जामिया आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले आए थे कभी जामिया? नहीं। लाइफ में एम्बिशन क्या आपका? डॉक्टर बनना। जी चलिए, मैं आशा करता हूँ आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जो भी सपना लेकर आप लोग जामिया आए, जामिया का पार्ट बन सके और अपने सपनों को उड़ान दे सके। जी आपका नाम बताइए। मोहम्मद कैस। आपका? मेरा नाम मोहम्मद गुलफाम। कौन सा पेपर दिखा रहे हैं? बीवॉक। आप? बीवॉक। कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया। सिलेबस में क्वेश्चन किस किस टाइप का पूछा गया? सिलेबस टाइप ही था, जो सिलेबस था 9th 11th 12th का सब 10th बेस पर। प्रीवियस ईयर का पेपर देखा था? नो। आपने देखा था? यस सर, मैंने देखा था, सेम ही था एनसीईआरटी में से पूरा, मतलब वही। मतलब ओवरऑल मज़ा आया पेपर का? हाँ मज़ा आया, अच्छा था। कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? मैंने 70। सिलेबस उस केमिस्ट्री है, मैथ है, उसके फिजिक्स है, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स एंड बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा? बायोलॉजी में वही ब्लड से रिलेटेड एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड यही आया था सब। क्या लग रहा आपको सिलेक्शन हो जाएगा आपका? सिलेक्शन तो अब इंशाल्लाह हो ही जाएगा, 75 अटैम्प्ट किए मैंने। 75 किया तो चांसेस है। आपने? मैंने भी 70 अटैम्प्ट किया, हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज़ उसमें जो बायो थी वो अच्छी थी, लास्ट के कुछ चैप्टर थे 12th के, 11th का था सारा, बेसिक ही था ज़्यादा। जो लोग नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? हाँ बस यही, पार्ट बन सके। थैंक यू। आपका? रूबीना। रूबीना कहाँ से आई? ओखला विहार से। आप कहाँ से आई? ओखला विहार। आप लोग लोकल ही हैं। पेपर कौन सा देखा है अभी आप? BMLT। आप? BVOC। पेपर कैसा गया आपका? हाँ अच्छा गया, ठीक ठाक। मीडियम। आपका पेपर कैसा गया? ठीक ठाक। अच्छा, मैं जानना चाहूँ ज़्यादा अच्छा नहीं गया, क्यों? रीज़न क्या था? मतलब क्वेश्चन टफ था या फिर तैयारी नहीं थी? नहीं, टफ भी नहीं था, जितना टफ सोचा था इतना टफ नहीं था, ईजी था, ज़्यादा टफ नहीं था। कितना क्वेश्चन अटैम्प्ट किया आपने? मैंने फिजिक्स के ज़्यादा छोड़े, केमिस्ट्री और बायो। टोटल 100 क्वेश्चंस था, उनमें हाँ। से कितना किया आपने? उसमें से मैंने 85 अबव। आपने कितना किया? मैंने 50 अबव करा है। अच्छा, प्रीवियस ईयर के पेपर देखा था आपने? हाँ देखे थे। वो ज़्यादा इजी था कि आज का इजी था? इजी तो लगा वैसे, बायो का इजी था। हाँ आपने देखा था प्रीवियस ईयर? हाँ देखा था। उसमें कुछ हेल्प मिला आपको? हाँ मिला था, उसमें से मतलब जो क्वेश्चन उसमें से करे थे ना, तो उसमें से भी थे एक आध। अच्छा, लाइफ एम्बिशन क्या? मेरा बस लेबोरेटरी का ही करना। अच्छा, आपका एम्बिशन क्या लगता? मेरा अभी किसी में आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा। खैर, मैं दुआ करूँगा आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए, जो भी सपना लेकर आप लोग जामिया आए, आप लोग जामिया का पार्ट बन सके आप। जी थैंक यू।